Hello everyone, welcome back to our channel. Where are we going? I'm going Ranthambore. Yes, so you heard it right. We are going to Ranthambore. तो हम अपने साथ ब्रेकफास्ट बनाकर ले जा रहे थे और मुझे पूरी बनानी थी. सो वी आर रेडी विद आवर पूरीज. तो हम मॉर्निंग में अराउंड 7:30 निकल गए थे. प्लान तो हमने 6 AM का किया था, बट हमें पता था कि हम 7 और 7:30 के बीच में ही निकल पाएंगे. तो वी वर ऑन टाइम. रास्ते बहुत ही अच्छे थे एंड दैट यू कैन सी इन दिस वीडियो. हमारी नाइशू यहाँ पर थोड़ी सी शांत थी क्योंकि वो सुबह 5 बजे से उठी हुई थी. फिर हम थोड़ा हाईवे पे रुके. हमें बहुत भूख लगने लग गई थी और रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम हाईवे पे रुके. और हाँ, हम इस ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे. तो देखिए हम लोग क्या लेकर गए थे. आलू की सब्ज़ी और पुलाव पूरी. तो हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, रास्ता इंजॉय किया, गपशप की. स्टॉप 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 स्टॉप. नाइशो हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन. रणथंभौर. ये है नाइशो की फ्रेंड मो, जो कि कार में बहुत ही मस्त नींद ले रही थी, बट आफ्टर दिस वीडियो शरद ने मो को उठा दिया. नाइशो बाय बाय बाय. इसके बाद नाइशो अपनी फ्रेंड की कार में शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके बैक सीट पे बेड था और उन्होंने दोनों ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया. फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन अपना किया और फिर हम लोग निकल पड़े. रास्ते में हम लोग को मैकडी मिला. हमने सोचा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, बट वहाँ पर इतना रश था. मे बी सैटरडे था इसलिए बहुत रश था. बट हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर हमने देखा कि वॉशरूम के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी और ऑर्डर देने के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी. तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए और हम लोग फिर निकल पड़े. थोड़ा आगे जाकर हमने एक और स्टॉप लिया. वहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स थे. डोमिनोज़ का भी फूड ट्रक था. वैसे हमें कुछ ऑर्डर नहीं करना था क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा ब्रेकफास्ट था और बस हम लोग को चाय लेनी थी. और हमारा वैसे तो सबका टमी बहुत ही फुल था, बट हमारा मन नहीं भर रहा था उस बहुत टेस्टी पुलाव से और आलू पूरी से. तो हमने थोड़ा थोड़ा वहाँ पे खाया और बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया, अपना टाइम पास किया और फिर हम लोग निकल पड़े. यार रास्ते बहुत अच्छे थे, फ्लावर्स बहुत अच्छे थे. और आप देख ही सकते हैं नाइशो सो चुकी है क्योंकि वो सुबह 5 बजे से उठी हुई थी. अपने रिजॉर्ट पहुंचने से पहले हम एक जगह और गए थे और वो था बालाजी का मंदिर. हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया. बट हाँ, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस व्लॉगिंग वर्ल्ड, सो मैं वीडियोस बनाना बहुत सारी जगह भूल ही जाती हूँ. बट हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट, द शेरगढ़ रिजॉर्ट. तो शाम के 4 बज गए थे, बट हम और जल्दी पहुंच सकते थे, बट हमने हाँ 2-3 स्टॉप ले लिए थे और हम लोग मंदिर भी गए थे तो इतना टाइम लग गया. बट चलिए आइए अब देखते हैं रिजॉर्ट है कैसा. रिज़ॉर्ट का ये एरिया हमें बहुत पसंद आया था क्योंकि यहाँ पे टेंट्स थे और बहुत ही बड़ा गार्डन था कि आप आराम से इवनिंग में आप बैठ सकते हो, अपना स्पीकर चलाओ, सॉन्ग चलाओ और इन्जॉय करो.
हम लोग को बहुत मन था कि हम टेंट्स ले लेते हैं, बट हम लोग को टेंट जब हम लोगों ने देखा अंदर से रूम देखा तो वहाँ पर हमें लिजर्ड दिख गई, और मैं बहुत डरती हूँ लिजर्ड से, और जो हमारे फ्रेंड्स गए थे उनकी वाइफ भी बहुत, मुझसे भी ज़्यादा डरती है एक्चुअली, तो हमने टेंट को त्याग दिया। पूरा रिजॉर्ट घूमने के बाद, सब रूम्स देखने के बाद हमने ये रूम फाइनल किया था। तो ये है हमारा रूम जो कि स्पेशियस था, तो हम लोग को अच्छा लगा। चेक इन करने के बाद हम लोगों ने रूम में ही लंच किया, और लंच करने के बाद हम थोड़ा लेज़ी फील कर रहे थे, पर हमें पता था अगर हम लेट जाते थोड़ी देर तो हम सो जाते, तो हम सब ने डिसाइड किया कि चलते हैं स्विमिंग पूल में और वहाँ अपना टाइम एंजॉय करते हैं। एंड अगेन वी फॉरगॉट टू मेक वीडियोस, सो आई विल शेयर यू सम फोटोज। सो एज यू ऑल कैन सी दैट आई एम रेडी फॉर आर डिनर, बट डिनर के लिए इतने अच्छे से रेडी, वाई, कैन एनी वन गेस? चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। इट वॉज आर एनिवर्सरी, आर फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी, एंड ये ट्रिप भी हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी के लिए ही प्लान किया था। यहाँ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, अपना डिनर किया, एंड एज़ यू कैन सी दैट किड्स आर प्लेइंग हेयर, बिकॉज ये बहुत बड़ा एरिया था तो बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग निकल गए मार्केट, और वहाँ पर हम रास्ते में एक्चुअली टाइगर ढूंढ रहे थे कि बिना सफारी के टाइगर दिख जाए। एंड वहाँ से आने के बाद हमें एक सरप्राइज़ केक मिला जो कि हमारे फ्रेंड्स ले आए थे। सो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड आर एनिवर्सरी विद आवर फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ वी स्पेंट आवर फर्स्ट डे इन रणथंभौर। If you like this video, please don't forget to like, share and comment on the video, and also please subscribe to our channel. Thanks for watching everyone. Milte hain next video mein.